हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। सो उन क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आज करवा रही हूँ। पूरी एक्सरसाइज तो नहीं फिनिश होगी, कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आज मैं करवा दूंगी आपको। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो अभी तक मुझे उनमें से डाउट्स नहीं आए हैं, प्लीज़ डाउट्स भेज दीजिए जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स कवर कर दूं और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके फिनिश हो जाए। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपको दिया हुआ है ये फंक्शन और आपको इसको डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx निकालना है। तो यानी कि y is equal to this, ठीक है। तो आपने क्या करना है, y is equal to this दिया हुआ है, तो y cot inverse। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ऐसे फंक्शन को अगर आप वैसे डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालोगे ना तो आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो जब भी आपके पास cot inverse मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन आते हैं, तो आप पहले उसको कोशिश करो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही उसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बिकॉज डायरेक्टली बहुत लेंदी हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट इनवर्स ऐसे ही लिख दिया, हमें पता है 1 प्लस इधर साइन थीटा है, साइन थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, 90 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं, तो साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इधर भी साइन एक्स को कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इधर साइन एक्स को कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इधर साइन एक्स को कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स ऐसे ही, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको जब इनवर्स ट्रिग्नो के कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लस वन में हमने गोल्डन फॉर्मूलाज किए थे, तो गोल्डन फॉर्मूला करके मैंने आपको लिखवाया था, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है एंड 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ये पूरा एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, अब पाई बाय 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, x को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस x तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, पाई बाय 2 का बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 4 x बाय 2 ये आ जाएगा। इधर 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, फिर से पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 यानी कि पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है। आपके पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आ गया। अब देखो इस पूरे की रूट अगर हम हटाएंगे तो रूट 2 बन जाएगा, इधर ये कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, इधर भी रूट 2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये एज इट इज, इधर रूट 2 बन जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये बिना रूट के, इधर रूट 2 हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये बिना रूट के, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मुझे पता है मैं न्यूमिरेटर में से भी रूट 2 कॉमन ले सकती हूँ, डिनोमिनेटर में से भी रूट 2 कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में से रूट 2 बाहर ले लिया, अंदर ये बच गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आपके पास ये बच गया, ठीक है। अब जब भी आपको स्टूडेंट्स ऐसा आ जाए कॉस प्लस साइन एंड कॉस माइनस साइन, ऐसा आपका इनवर्स ट्रिग्नो में फंक्शन बन जाए, तो आप हमेशा न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे थीटा क्या है आपके पास पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो मैं कर रही हूँ डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इसको डिवाइड कर देंगे कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन, और थीटा तो वही है, यहाँ पे कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टैन, ठीक है। तो आपके पास कॉट इनवर्स 1 प्लस दिस एंड 1 माइनस दिस। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे tan a प्लस बी का। अब कैसे बनाएंगे, देखो मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, हमें पता है 1 tan की टर्म्स में tan 45 होता है, 45 को हम कैसे लिखते हैं पाई बाय 4, तो मैं इसको tan पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 tan a प्लस tan b माइनस अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पे 1 को मैं लिख सकती हूँ tan पाई बाय 4, इधर 1 माइनस टैन ए इंटू बी होना चाहिए, इंटू पाई बाय 4 होना चाहिए, तो फिर से टैन पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं करके बताती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये आपके पास फंक्शन बन गया था। अब इस फंक्शन को देखो ये कॉट इनवर्स है, मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ टैन पाई बाय 4, क्योंकि टैन 45 होता है, प्लस ये एज इट इज आ गया 1
माइनस ये एज इट इज. अब देखो अगर आप फॉर्मूला देखो tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस बी तो ऊपर बन गया, tan a प्लस tan b बन गया, 1 माइनस tan a बन गया, tan b क्या होगा, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 मतलब 1, तो अगर इसके साथ में इंटू 1 लिख दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और उसी इंटू 1 को मैं क्या लिख रही हूँ, tan पाई बाय 4. ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b. ठीक है, a की वैल्यू पाई बाय 4, b की वैल्यू दिस. तो cot इनवर्स अब किसका फॉर्मूला ये tan a प्लस b का, तो tan a प्लस ये है पूरा b. ठीक है, cot इनवर्स अब देखो tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2. ठीक है, cot इनवर्स tan पाई बाय 2 क्या होता है 90, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, थीटा क्या हो गया यहाँ पे x बाय 2. अब cot इनवर्स और cot तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया हमारे पास x बाय 2, तो हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया, x बाय 2 बना लिया. अब हमें इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं dy बाय dx, और इधर x बाय 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 बाय 2 आ जाएगा. ठीक है, तो यही आपका आंसर है. तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नो हो तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उसका डेरिवेटिव लीजिए. अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको y दिया हुआ है cos a cos x प्लस b sin x. वैसे तो ये कुछ खास मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं इसको. हमने डेरिवेटिव लेना है, तो बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो देखो cos ये अभी x है हमारे लिए, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, फिर x किसको माना हमने इस पूरे को, तो फिर चेन रूल लगा के इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे. तो ये तो माइनस sin x a cos x प्लस b sin x. अब इधर a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है, यही आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. आपको y दिया हुआ है sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x. अब देखो वेरिएबल, उसके ऊपर वेरिएबल मतलब, तो हम ऐसे केसेस में क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं, तो लॉग ही लगाएंगे हम, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो इधर क्या लेंगे, y में log y हो जाएगा, इधर log sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x. अब log y, हमें log में हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी sin x माइनस cos x, इधर log sin x माइनस cos x हो जाएगी. log y, अब बोथ साइड क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव dy by dx. ऐसे ही लेते थे हमने एक्सरसाइज में किया था log वाली, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट. ठीक है, तो अब देख लेंगे ddx ऑफ sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है, और cos x का माइनस sin x. अब ये आपके पास डेरिवेटिव था, तो देखो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और बाहर भी माइनस है तो प्लस sin x, और ये log sin x माइनस cos x एज इट इज. प्लस इधर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, फिर x किसको माना है sin x माइनस cos x, फिर उसका डेरिवेटिव देखो sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा, और इंटू sin x माइनस cos x तो था ही, sin x माइनस cos x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा dy by dx, ये y उधर चला गया, y cos x प्लस sin x log sin x माइनस cos x, प्लस ये और ये तो कैंसिल हो गया, cos x प्लस sin x बचा, तो आपके पास dy by dx, यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे जो क्वेश्चन में थी, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, और बाकी एज इट इज, दिस इज योर सिंप्लीफाइड वर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है y की वैल्यू आपको ये दे रखी है और आपको डेरिवेटिव निकालना है. अगर आप y को ध्यान से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट x की पावर x यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की पावर a यानी कि कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है. तो इसमें अब देखो हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे लॉग लगाना चाहे ना पूरे में, तो लॉग नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि लॉग ए प्लस लॉग बी कुछ नहीं होता, लॉग ए इंटू बी करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट लॉग ए प्लस बी कुछ नहीं होता. तो हम क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल सिर्फ एक ही फंक्शन है उसको हम यू मान लेते हैं, बाकी एज इट इज लिख देते हैं. अब डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड. अगर मैं y का डेरिवेटिव लूंगी तो dy by dx, u का डेरिवेटिव लूंगी तो du by dx,
एक्स रेस टू पार ए का डेरिवेटिव, इसमें फॉर्मूला लग सकता है ना एक्स रेस टू पार एन, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो एन की जगह क्या है ए, प्लस ए रेस टू पार एक्स का डेरिवेटिव। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब भी ए रेस टू पार एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो ए एक्स लॉग ए होता है। अब कॉन्स्टेंट की पार कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। अब बाकी ये दोनों तो सॉल्व है, डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर इसमें पुट करके डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले u ले लेते हैं, हमने किसको माना था x रेस टू पर x, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं u x रेस टू पर x, तो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इधर u लेंगे तो log u, इधर log x की पावर x, लॉग में पावर पहले आ जाती है तो ये एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स बन जाएगा। अब इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो लॉग यू का डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे तो वन अपॉन यू, फिर यू किसको माना एक्स किसको माना है यू को, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाय डी एक्स। इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स तो वन होता है, वन इंटू लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स आ गया, ये यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, डी यू बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर देंगे क्या आएगा एक्स रेस टू पार एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वन, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में डी यू बाई डी एक्स निकाल देंगे, बाकी दो तो हमारे पास यही है, तो वही डी वाई बाई डी एक्स में ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, ये बाकी दो, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, आपको इसको डेरिवेटिव निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब लॉग लगेगा, बट लॉग प्लस में नहीं लग सकता, तो हम इसको यू और वी मान के चलते हैं। तो y इज इक्वल टू इसको u मान लेते हैं, इसको v, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स, यू का डी यू बाई डी एक्स, वी का डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले u को हम क्या मानेंगे ये, तो u इज इक्वल टू x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, log बोथ साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा log u, इधर log x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, फिर log में पावर आगे आ जाती है तो ये पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री log x। अब ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जब डेरिवेटिव निकालेंगे, इधर लॉग यू का डेरिवेटिव, लॉग यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉन यू, फिर जिसको एक्स माना है उसका डेरिवेटिव डी यू बाय डी एक्स। अब इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो इंटू लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, लेफ्ट साइड पे वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ये यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब यू की वैल्यू डाल देंगे जो कि क्वेश्चन में थी एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और ये एज इट इज, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स तो आ गया। अब क्या निकालना है डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स वी किसको माना है एक्स माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर, तो वही निकालते हैं, v हमने माना x माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल यानी कि अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, इधर log v हो जाएगा इधर log x माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर, फिर पावर आगे आ जाती है तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा log x माइनस थ्री। अब क्या लेंगे बोथ साइड डेरिवेटिव, log v का डेरिवेटिव हम बहुत बार अभी ले चुके हैं, आपको पता ही चल गया होगा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल जो है आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा इंटू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, अब x किसको माना है x माइनस थ्री को, तो x माइनस थ्री का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा और साथ में ये एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये v इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आप v की वैल्यू डाल देंगे, ये आपकी वैल्यू एज इट इज, तो आपके पास dv by dx भी आ गया du by dx भी आ गया, इन दोनों को सिर्फ प्लस करके आप लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दोनों को प्लस करके लिखा है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू योर आंसर। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क दिया था, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 नहीं क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिए, अगर तो आपके आपसे हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12 वेल एंड गुड, बट क्वेश्चन नंबर 13 ज़्यादा ईजी है वो आप खुद कर सकते हैं, तो अब 12th क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है y इज इक्वल टू दिस,
x इज इक्वल टू दिस, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब आपको याद आ गया होगा एक्सरसाइज से कि जब y और x दिए होते हैं तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। जब y पे भी दिया हुआ है, x पे भी दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं तो हम इन दोनों को पहले इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, सॉरी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t, ये है। अब डेरिवेटिव निकालना है तो y का डेरिवेटिव डी वाई विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है, t वेरिएबल है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी से निकालेंगे। इधर 12 कांस्टेंट है, बाहर ही निकालनी है, डी डी टी ऑफ किसका निकालेंगे, 1 माइनस cos t का। तो 12 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी टी ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, माइनस cos t का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin t होता है, और बाहर भी माइनस है तो प्लस sin t, ठीक है। तो ये आपके पास dy by dt आ गया। इधर x का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt हो जाएगा, 10 कांस्टेंट है। अब t का जब डेरिवेटिव निकालेंगे d dt, तो d dt ऑफ t क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t। अब निकालना क्या है, dy by dx, तो dy by dx कैसे निकालते हैं, dy by dt को डिवाइड करेंगे dx by dt। देखो dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy by dx ही बच रहा है ना, कैंसिल नहीं करना, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि dy by dt को अगर dx by dt से डिवाइड करेंगे तो dx by dy by dx आ जाएगा। हमने पहले भी पैरामेट्रिक वाली एक्सरसाइज में ये कर रखा है। तो dy by dt 12 sin t, इधर इसको 10 1 माइनस cos t। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फिर आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। हमें पता है कि जब भी 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आता है तो हमने गोल्डन रूल वाला फॉर्मूला लगा देना, 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा तो ऊपर भी लगा दो, sin थीटा का भी तो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो वही लगा दिया, sin थीटा की जगह 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब इनको कैंसिल करेंगे, देखो 24 है इंटू 2, यहाँ पे 10 इंटू 2 आप कैंसिल करेंगे तो एक sin t by 2 से एक sin t by 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करके बचेगा 6 by 5, इधर cos t by 2 बचता है और नीचे एक sin t by 2 बचता है। अब 6 by 5 cos upon sin क्या होता है, cot, cot t by 2, this is your answer। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला है x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स इसके प्रूव करना है। अब देखो जब आपको इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे जो प्रूफ का आपका आंसर आना चाहिए उसमें y तो कहीं नहीं है, तो हमें मतलब y और x को अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आंसर में y कहीं नहीं है। तो जो आपको गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं, आपको ये चीज गिवन दे रखी है, तो मैंने y वाली टर्म राइट साइड पे ले गई क्योंकि अलग करना है, ये माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स हो गया। अब मुझे रूट भी नहीं चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर वन प्लस वाई, इधर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, वन प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देते एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई, इधर वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म इधर ले जाइए, ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई इधर आ जाएगा, इन दोनों पे आइडेंटिटी लग सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकल सकता है वाई माइनस एक्स। अब देखो इधर एक्स माइनस वाई है, इधर वाई माइनस एक्स, चाहे तो ये कैंसिल हो सकता है बट बाहर माइनस लेके उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस वाई बन गया। अभी एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया, माइनस एक्स वाई के। अब मुझे एक्स वाली टर्म अलग वाई वाली टर्म अलग चाहिए, तो एक्स मैंने इधर ही रहने दिया, वाई उधर जाके माइनस वाई हो गया। दोनों में से माइनस वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस वन बचेगा, यानी कि वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये माइनस एक्स माइनस तो उधर चला जाएगा माइनस एक्स, और एक्स प्लस वन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वाई बिल्कुल अलग निकाल लिया और ये एक्स अलग निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, ये आपको डिवीजन दिख रहा है कि डिवाइड हो रहे हैं, आगे मुझे डेरिवेटिव भी लेना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है क्या निकालना है, dy by dx। तो डेरिवेटिव निकालते हैं dy by dx, तो कोशेंट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो dy by dx इधर हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो कोशेंट रूल लगाएंगे, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो माइनस x का डेरिवेटिव तो माइनस x होगा इंटू x प्लस वन प्लस, अब प्लस क्यों आया यहाँ पे, देखो ddx ऑफ वन ddx ऑफ x वो क्या होता है वन, ddx ऑफ वन जीरो, तो इधर तो वन ही आएगा, ये वन लिख दिया,
माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन, माइनस इंटू माइनस तो यहाँ पे प्लस आ गया, नीचे एज इट इज। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये किसका आया, डी वाई बाई डी एक्स, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, प्रूव दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो है इसको सॉल्व करके एक कोई कांस्टेंट आता है, बट वो कांस्टेंट में ए एंड बी नहीं होगा, ठीक है। तो a एंड b नहीं हो सकता, c हो सकता है उस कांस्टेंट में, बट a एंड b नहीं होगा, तो आपने इसको सॉल्व करके आंसर बताना है जिसमें a एंड b ना हो। तो जो आपको दिया हुआ है, पहले तो उसी से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिया हुआ है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं बोथ साइड डेरिवेटिव ले रही हूँ, इसका डेरिवेटिव लूंगी डी डी एक्स ऑफ दिस, डी डी एक्स ऑफ दिस। अब देखो x रेस टू पार n का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें क्या होगा, 2 इंटू एक्स रेस टू पार 2 माइनस 1, 1, ठीक है। तो x रेस टू पार n का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे 2x माइनस a आ गया, इंटू x किसको माना है, x माइनस a को। अब x माइनस a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, प्लस इधर y माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x रेस टू पार n का डेरिवेटिव, तो 2y माइनस बी हो जाएगा, फिर y माइनस बी का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स, बी का डेरिवेटिव 0, तो dy वाई बाई डी एक्स आ गया। इधर c स्क्वायर, c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, y माइनस बी dy वाई बाई डी एक्स, ये x माइनस a उधर जाके माइनस x माइनस a हो गया। यहां से मेरा dy बाई डी एक्स निकल आएगा माइनस x माइनस a, ये y माइनस b इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स है, बट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो dy बाई डी एक्स तो है, साथ में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, मतलब ये सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, तो एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो जो आपके पास dy बाई डी एक्स आया, इसको एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये सेकंड, तो कोशेंट रूल लग जाएगा। इधर करेंगे dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो अब डिवीजन रूल लगाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, वन, कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, इंटू वाई माइनस बी, माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, बी का तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, अभी हमने निकाली है ये, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो ये माइनस था, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया, एक्स माइनस बी अपॉन वाई माइनस, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी, इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है कि मैं ऊपर एलसीएम ले सकती हूँ, तो इनका एलसीएम वाई माइनस बी, वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो डिवीजन है ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन एंड रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो वैसे ही किया, माइनस कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो गई। अब देखो ये जो y माइनस बी का स्क्वायर है प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, क्वेश्चन में इसको क्या बोला हुआ है, सी स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है ना x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, क्या वैल्यू है, सी स्क्वायर, तो वही सी स्क्वायर हम वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, सी स्क्वायर, नीचे y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस बी का क्यूब। अब डी स्क्वायर वाई भी आ गया, डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 1 आ गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास वैल्यू थी माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। अगर मुझे यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी ऊपर की पावर कितनी है, 3 बाई 2। नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो तो ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो क्या डाल देंगे, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। अब देखो ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो y माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस बी स्क्वायर इंटू वन वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, इनकी पावर 3 बाई 2 है, और नीचे वाला जो है वो मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है।
इज इक्वल टू, अब देखो फिर से वही चीज़ आ गई, इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, सी का स्क्वायर, और इस नीचे y माइनस बी का स्क्वायर, अब दोनों की पावर क्या है 3/2, तो इसकी इंडिविजुअल में भी 3/2 लिख दी मैंने, इसकी भी इंडिविजुअल में 3/2 लिख दी, इनटू ये तो मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो ही गया था, देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो c का क्यूब बचा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया y माइनस बी का क्यूब बचा, तो y माइनस बी क्यूब y माइनस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचा सिर्फ माइनस सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक c बचेगा एंड माइनस सी, यानी कि इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया माइनस सी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, इसमें कोई a एंड b कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला हुआ है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, और आपको प्रूव करना है dy by dx cos square a प्लस y होना चाहिए एंड sin a होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि dy by dx में यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब x को हमें अलग करना पड़ेगा, तो अलग कहाँ से करेंगे, पहले क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन दिया cos y a x into cos a प्लस y, तो पहले तो x निकाल लो, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो cos y cos a प्लस y। अब अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि dy by dx निकालना है तो इसका डेरिवेटिव dy by dx, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस ddx ऑफ सेकंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो आपके पास cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y इंटू cos a प्लस y, cos x का cos y का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन y, और बाहर भी माइनस है तो प्लस साइन a प्लस y, इधर cos y अपॉन कॉस ए प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए ऐसा है, बट फॉर्मूला में थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ फिर फॉर्मूला सही बन जाएगा, तो मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये फॉर्मूला बन गया कैसा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का माइनस कॉमन लेके, तो माइनस बाहर ले लिया तो फॉर्मूला बना साइन ए, ए क्या है वाई माइनस बी, बी क्या है ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बाहर ही रहा साइन बाहर ही रहा, वाई माइनस ए बाहर माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस हो गया अपॉन कॉस ए प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ से y y कैंसिल हो गया माइनस साइन ए इंटू माइनस ए तो प्लस साइन ए हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई होल स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई भी लिख सकती हूँ, आपके पास ये क्या आ गया डी एक्स बाई डी वाई, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उल्टा कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इधर उल्टा हो गया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। यहीं तक आज का आपका लेक्चर है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, जितने क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे प्लीज़ उसमें से जो भी डाउट्स हैं आपके वो मुझे बता दीजिए, आज रात तक मुझे बता दीजिए सो दैट मैं उनको कवर कर सकूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड हम जल्दी से ये मिसलेनियस कंप्लीट कर लें, देन हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।